क्यों चिल्ला रहे हो? कुछ होएंगे नहीं आपको, कहीं हम सबकी नौकरी। अरे मैंने तो किया ही नहीं, क्यों चिल्ला रहे हो तुम? क्या हो ड्राइवर? सर, श्रुति मैडम ने खड़ी गाड़ी को टक्कर मार दी। मैं वहाँ चाय पी रहा था, मैंने खुद देखा अपनी आंखों से। नहीं सर। अरे अगर चलाना नहीं आता तो सीट क्यों नहीं लेती? ये डेंट देखो, तुमने किया है, तुम ही भरो। सर, जब मैंने टक्कर ही नहीं मारी तो पेमेंट किस बात की? अरे मेरे ड्राइवर ने खुद देखा है अपनी आंखों से। आंखें तो धोखा भी खा सकती है ना सर। आई कैन प्रूव दैट आई डिडंट डू इट। गिव मी 2 मिनट्स सर। चलो 2 मिनट देता हूं। तुमने देखा कि मैंने ये गाड़ी ठोकी? जी बिल्कुल, आपने ही तो मारी। जी बिल्कुल नहीं, आप गाड़ी को बाहर लेकर कई ठोक कर वापस लाकर मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। सर, इसने 3 दिन पहले मेरे से 500 रुपए मांगे थे और मैंने मना किया। मांगे थे कि नहीं? सर वो तो सर, अकॉर्डिंग टू गूगल 80% मर्द यही सोचते हैं कि लड़कियों को गाड़ी चलाना नहीं आता है, इसीलिए इसकी गवाही मानी नहीं जा सकती बिकॉज ही इज बायस्ड अगेंस्ट वुमेन ड्राइवर्स। सर, आई एम इनोसेंट, आई एम एब्सोल्युटली इनोसेंट। सर मैं जानता हूँ आपकी गाड़ी को किसने ठोका। किसने? इन्होंने। इन्होंने? जी। ओए मिस्टर, आपने कब देखा? जब आप अपनी स्कूटी 45 किलोमीटर पर आवर पे चला रही थी, आपका बैलेंस लूज हुआ, आपने ब्रेक मारने की कोशिश की लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी, आपने स्कूटी जाके सीधी इनकी गाड़ी पे मारी। आप झूठ बोल रहे हो, आपके पास क्या प्रूफ है? प्रूफ? ओ यस। आपको प्रूफ चाहिए? यस। सर एक काम करते हैं, सर चल के देखते हैं इनकी स्कूटी पे, आपकी गाड़ी का रंग लगा होगा उस पे। चलिए सर। नहीं कोई जरूरत नहीं। चलो सर, आप इसकी बात क्यों मान रहे हो? जस्ट स्ट्रेंजर, आप मेरी बात मानो ना। देखा सर, मैंने आपको क्या कहा था, मेरा इस लड़की से कोई लेना देना नहीं है, मैं इनको जानता तक नहीं, और सर ना ही मैंने इनसे कोई पैसे उधार लिए। आई हैव नो एजेंडा सर। 2500? सर उतनी तो मेरी सैलरी भी नहीं है सर, मेरे पास सिर्फ 50 रुपए सर। बाकी मैं तुम्हारी सैलरी में से काट लूंगा। अरे ड्राइवर चलो, अरे चल हट। तुम बीच में क्यों बोले? उस ड्राइवर की तनख्वाह पता तुम्हें? तुम्हारी तनख्वाह से आधी से भी कम है। सुनो, वो बच्चा जो हमने पैदा किया था ना, फ्राइडे को उसका नामकरण है, तुम्हें जरूर आना होगा। बच्चा हम दोनों ने पैदा किया था? गाड़ी में पैदा किया था। Shut up. By the way, I'm Shruti. गब्बर। गब्बर। I'm back. I'm back. I'm back. हमारा सिस्टम बच्चों के डायपर की तरह हो चुका है, कहीं थोड़ा गीला और कहीं से थोड़ा ढीला। हम लोग एक ही चीज पूरी ईमानदारी से करते हैं, वो है बेईमानी। रिलीजिंग दिस फ्राइडे PWD, कहने को ये पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है, पर कुछ लोगों की वजह से ये पब्लिक को सबसे ज्यादा परेशान करने वाला डिपार्टमेंट बन गया है। लेकिन अब गब्बर का PWD चलेगा, पावर वाला डंडा, क्योंकि पावर अगर गलत हाथों में आ जाए तो ब्लैकआउट होने में देर नहीं लगती। 2nd September, ये दिन याद रखना, क्योंकि इस दिन एक कुर्सी PWD की हमेशा हमेशा के लिए खाली होने वाली है। चले कुतरा, जल्दी कितना देखना मत मेरे को फिर से इधर। हाँ पैसा नहीं लेना मत लो, पर गाली दे उन्हें का गलत बात। क्या हुआ भाई साहब? पैसा नहीं लेता है तो कंट्री कैसे चलेगा? रिश्वत रिटायर हो गई है इस ऑफिस से। ऐसा क्यों? किसी को हार्ट अटैक क्या आ गया कि मोहल्ले के सारे लोग जॉगिंग करना शुरू कर देते हैं? ऐसे ही एक तहसीलदार ऊपर क्या गया, सब लोग सुधर गए। जाओ। पहले सब लोग रिश्वत लेते थे इधर? हाँ सब लोग, इक्का दुक्का छोड़कर। इक्का दुक्का में कौन? अरे है ना अपना एखादा, वो अनुज मोरे। अनुज मोरे और कौन? सब लोग, आप भी? हाँ लक्ष्मी बोल। ओ साधु किधर है तू? मैं सांगली में हूँ। कप्पर की एक और सीटी आई है। 2nd September, ये दिन याद रखना, क्योंकि इस दिन एक कुर्सी PWD की हमेशा हमेशा के लिए खाली होने वाली है। और हाँ रिश्वत खोरो, अगर मन घबराने लगे या दिल में बेचैनी हो तो समझ लेना कि गब्बर कहीं आसपास ही है। आखिर इसका मकसद है क्या? कौन है ये गब्बर? मैं हूँ गब्बर। हमें ये फिल्म बनानी चाहिए प्रोड्यूसर साहब, इसके राइट्स मिलेंगे? अरे पुलिस को तो नहीं मिला गब्बर, तुझे कहाँ से मिलेगा? कैसे ज्वाइन करेगा उसका ग्रुप? बोल। आखिर सबको है वरना थोड़ा डर के रह लेता, वरना गब्बर आ जाएगा, डर ले जो भी है करना। क्या बात है सर, बहुत टेंशन में लग रहे हो। मत पूछ यार, पता नहीं है गब्बर अब कौन से ऑफिस को टारगेट करने वाला है, मेरी तो हालत पतली हो रही है। ये तो है सर, अगर इस बार अपने डिपार्टमेंट की लिस्ट बनी ना तो आपका नंबर सबसे ऊपर होगा सर। है ना? बस
तेरी मुहर लगनी बाकी थी। अब एक तो टेंशन के मारे मेरा बीपी हाई हो रहा है कि लो हो रहा है, मेरे को पता नहीं चल रहा है। ऊपर से तू मिर्ची लगा रहा है, और वो रमेश पवार वो कितना खाता है? सर उसके कुल मिला के 81 करोड़ है, पर फिर भी आपसे 10 करोड़ कम। अरे लो यहाँ भी 10 आ गया। हाँ तो क्या, गब्बर 10 लोगों को किडनैप करता है, आपका तो लक्की नंबर भी 10 है। ए मुंह बंद रख तू। और वो राजनायक का क्या? जब से गब्बर ने उस तहसीलदार को मारा है सबने रिश्वत लेना छोड़ दिया है। हे भगवान, साई बाबा देख लेना रे बाबा। नमस्ते सर। सर हमारी फाइल साइन हुई कि नहीं? हमने 1.5 करोड़ आपको एडवांस दिया था, और ये रहा आपका बाकी का 1.5 करोड़। अरे अच्छा हो गया आप आ गए, आपने मुझे 1.5 करोड़ रुपए दिए थे ना। एक मिनट, ये रहे आपके 1.5 करोड़, ये ले लीजिए और मेरे साथ आइए। आइए आइए, लेकिन मेरी बात तो सुनिए। आइका एक मिनट आइका प्लीज, मजा जीवन मरणाचा प्रश्न है प्लीज। देखिए इस डिपार्टमेंट में मैं रिश्वत लेता हूँ, ये बात कोई बाहर गब्बर को रिपोर्ट कर रहा है, इसलिए मैंने तय किया है कि आज से रिश्वत लेना बंद। इस कॉन्ट्रैक्टर से मैंने 1.5 करोड़ रुपया लिया था उनका काम करवाने के लिए, मैं उन्हें वो 1.5 करोड़ लौटा रहा हूँ। लीजिए भाई साहब। नो सर, इट्स ओके। अरे लीजिए भाई साहब, मरवाओगे क्या? लीजिए, आपकी फाइल पर मैं साइन कर दूंगा अगर फाइल सही रहेगी तो। जिन लोगों से मैंने पैसे लिए थे उन सारे लोगों के पैसे मैं कैश में लौटा दूंगा, और बाहर से जिन लोगों ने मुझे पैसे भेजे थे उन सारे लोगों को मैं मनी ऑर्डर कर दूंगा। सर हमारे पास 24 घंटे हैं, स्टेट में 2000 से भी ज्यादा PWD ऑफिसर्स हैं, हम सबको प्रोटेक्शन नहीं दे सकते सर। लेकिन करप्ट ऑफिसर्स को तो दे सकते हैं। करेक्ट, ग्रेट आइडिया सर। गब्बर उन्हीं के पीछे जाएगा, पता करो कि PWD के सबसे करप्ट ऑफिसर्स कौन है। सर कौन ऑफिसर अपने आप को करप्ट बताएगा? करेक्ट, कौन कहता अपने आप को चोर बोलेगा सर? सर मैं ऑनेस्टली बोलूं, मैं सबसे ज्यादा करप्टेड हूं, मुझे पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए। ये देखिए करप्शन की लिस्ट। अबे मेरी हाफ सेंचुरी हो चुकी है, पूरे 50 करोड़। सर प्लीज मुझे बचा लीजिए, गब्बर की लिस्ट में सबसे पहले मेरा नाम है। क्यों रे, गब्बर ने लिस्ट फैक्स किया क्या तेरे को? सर प्लीज प्लीज। काय सर, आप अपना अकाउंट नंबर दो मुझे, मेरे पास जितना भी है ना आधा आपका, पर मुझे टॉप 10 करप्ट लिस्ट में डाल दो प्लीज। मतलब तेरे चक्कर में गब्बर की लिस्ट में मैं आ जाऊं? येड़ा समझा ले क्या? चले मैं। सर 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 सर, यहाँ PWD वालों को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, वहाँ गब्बर ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को किडनैप कर लिया सर, ये सब डाइवर्जन था सर। शिट, अलर्ट ऑल द पुलिस स्टेशंस, पता करो कि शहर के किस कोने में कलेक्टर को रखा है। ओके सर। सर इन सब का क्या करें? कलेक्ट ऑल देयर फाइल्स एंड सेंड इट टू द ACP, एक को भी नहीं छोड़ना है। और जब बोला था PWD वाले को उठाएंगे तो PWD वाले को उठाना चाहिए था ना, इतनी बड़ी चीटिंग। चीटिंग नहीं यादव, उसने इन सबकी वाट लगा दी, और हाँ वो गब्बर है गांधी नहीं। अबे जानता है मैं कौन हूं? गयानंद सावंत, वैभव मुंडे, परशुराम वाड़ेकर, प्रमोद नैयर, क्या तुम जानते हो ये सब कौन है? ये चार वो 877 किसानों में से है जिन्होंने पिछले साल आत्महत्या की थी, क्योंकि जो नदी का पानी उनके खेतों में जाना था वो सारा का सारा पानी शुगर के फैक्ट्री, प्राइवेट सेक्टर और मंत्री जी के फार्म हाउस पे चला गया, और उनके खेत सूखे के सूखे रह गए, और इसके लिए तुम्हें 18 करोड़ मिले थे। मैंने तो वही किया जो उस मंत्री जी ने कहा था, उस मंत्री जी ने ही मुझे पैसे दिए थे। मंत्री की मैं क्यों सुनूं? इस देश के आधे से ज्यादा मंत्री अनपढ़ हैं, क्रिमिनल्स हैं, लेकिन तू कलेक्टर, तू तो पढ़ा लिखा था ना, तूने तो कसम खाई थी कि मैं पब्लिक की सेवा करूंगा, क्या कर रहा था तू? यू वेरी वेल नो यू कुड हैव सेव्ड ऑल दोस फार्मर्स लाइव्स।